एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। किसानों के मुद्दों को लेकर 18 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी पहले से ही कृषि कानूनों के विरोध में। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, विपक्षी दलों के नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा को तैयार। बजट सत्र को लेकर दोपहर 2 बजे सर्वदलीय बैठक करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कल पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार की सर्वदलीय बैठक होगी। बीटिंग द रिट्रीट से आज होगा गणतंत्र दिवस समारोह का समापन। शाम 5 बजे से कार्यक्रम। कोरोना की वजह से सिर्फ 5,000 लोगों को ही आने की इजाजत। बंद रहेंगे कई रास्ते। 2 दिन के बंगाल दौरे के लिए आज देर रात कोलकाता पहुंचेंगे गृहमंत्री अमित शाह। कल इस्कॉन मंदिर में दर्शन के बाद कई ताबड़तोड़ कार्यक्रम और रैलियां। रविवार को दक्षिण कोलकाता के भारत सेवाश्रम संघ में पहुंचेंगे अमित शाह। फिर ईश्वरचंद विद्यासागर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद हावड़ा में शाह की बड़ी रैली और रोड शो होगा। टीएमसी का दावा, आज कई बड़े चेहरे और हस्तियां पार्टी में शामिल होंगी। ममता के मंत्री ब्रत्य बसु मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम। आज 2 दिन के तमिलनाडु दौरे पर जा रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। रैली को संबोधित करेंगे, नेताओं से मिलकर चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। चारा घोटाले से जुड़ी दुमका कोषागार केस में लालू यादव की जमानत पर आज सुनवाई। जमानत मिली तो शाम तक रिहाई संभव। 3 अन्य मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। सभी धर्मों के लिए स्पष्ट उत्तराधिकार कानून बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई आज। याचिका में गोद लेने संबंधी नियम कानून सभी के लिए एक समान करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट आज हैदराबाद एनकाउंटर पर भी सुनवाई करेगा। इस मामले में गठित आयोग ने जांच पूरी करने को और वक्त मांगा है। 2019 में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के 4 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ था। मुंबई में आज से बहाल 204 और लोकल ट्रेन्स। कोरोना की वजह से अब तक महिलाओं और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही यात्रा कर रहे हैं। सभी यात्रियों के सफर पर फैसला जल्द हो जाए। बजट में हो सकती है बैड बैंक की घोषणा। एनपीए और बैड लोन से निपटने के लिए सरकार ले सकती है फैसला। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने संकेत दिए। कोरोना काल में स्टार्टअप्स ने नौकरियां देने में मारी बाजी। साल 2020 में जनवरी से सितंबर तक 1,70,000 लोगों को रोजगार दिया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली की हुई दूसरी एंजियोप्लास्टी। 2 स्टेंट लगवाए गए। सीएम ममता ने अस्पताल पहुंचकर हाल जाना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी धोनी का जलवा जारी। सोशल मीडिया पर एमएस धोनी का नया लुक वायरल। ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।